आज तो इतना ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है, लाइट रेनी है जनरली, और किसी एक जगह में मॉडरेट हो सकती है। पहला हाफ जो है वो खासा गर्म होगा, आज टेम्परेचर 39 तक जा सकता है, और दिन में जब हवा चलेगी तो एक तरह से लू महसूस होगी लोगों को तो। लेकिन कल से असल स्पेल है, जो हैवी स्पेल है वो कल से लेके, यानी जुमेरा, जुमा और हफ्ता, ये 3 दिन है कम अज कम, तो उसमें हैवी स्पेल है और उसमें खासी तेज बारिश होगी, बाजुगार बहुत मूसलाधार बारिश के भी इम्कान है, और उसके नतीजे में जाहिर है जो अलर्ट इशू किया गया था कि अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है, उसके साथ साथ समंदर में भी रफनेस आ जाएगी, क्योंकि ये लो प्रेशर गुजरात के करीब है इस वक्त, और जब ये अगले 12 घंटे या 18 घंटे में कह लें समंदर में दाखिल होगा दोबारा, तो दोबारा से शिद्दत पकड़ सकता है और समंदर में भी तो गियानी रहेगी उसकी वजह से। देखिए, सर्दी से तो इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता, असल में वैसे एकेडेमिकली हम कहें या उसमें कहें क्लाइमेटिकली तो 30 सितंबर तक ही मानसून गिना जाता है, मानसून 30 सितंबर तक ही शुमार होता है, लेकिन ये जरूर है कि सितंबर में मानसून की बारिशें कम होती हैं जुलाई और अगस्त की नस्बत, लेकिन इस दफा सितंबर में ज्यादा हो रही है, अगस्त में तो हुई नहीं थी, तो ये प्रोलॉन्ग कर गया। दूसरा, इसको एक तरह से एनहेंसमेंट मिली है ये जो साइक्लोन इन्हीं दिनों में बना, और उसकी वजह से मानसून हवाएं अब ज्यादा एक तरह से ना इंटेंसिफाई हो गई।